हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर गौरी बट। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रामर की वो बहुत बेहतरीन सी ट्रिक लेकर के आई हूँ, जिसको अगर आप लोग एक बार जान लेंगे तो आधे से ज़्यादा ग्रामर के रूल आप लोगों के बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कई बार हम लोग एवरी वन, एनी वन, नो बडी, एनी बडी, सम बडी, इन सब के साथ प्लूरल सेक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कई बार मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है, एवरी वन इज़ डूइंग देयर वर्क, इज़ डूइंग देयर वर्क। क्या ये सेंटेंस गलत है? या फिर मैं ये बोलूं कि एवरी वन आर डूइंग देयर वर्क? अगर आप लोग मेरी माने तो दोनों ही सेंटेंस गलत हैं, बिल्कुल गलत है। देखिए कैसे, एवरी वन आर डूइंग देयर वर्क, आर और देयर यहाँ पर दोनों ही गलत है। आर आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है, जो कि आप लोग सेंटेंस में प्लूरल सेक्शन के साथ यूज़ करते हैं अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, और देयर भी आपका प्लूरल वर्ब का पोजेशन केस है, तो दोनों ही रॉन्ग हो जाएगा। इसका करेक्शन बनेगा एवरी वन इज़ डूइंग हिज वर्क, क्योंकि एवरी वन, नो बडी, एनी बडी, सम बडी, ये जितने भी सारे वर्ड्स होते हैं ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं, और इनडेफिनेट प्रोनाउंस कभी भी अपने साथ प्लूरल फॉर्म को नहीं लेती है, ना ही वो वर्ब के पोजेशन केस को लेती है, ना ही वो हेल्पिंग वर्ब को लेती है। वो हमेशा अपने साथ सिंगुलैरिटी को ही यूज़ करती है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही लगती हैं। एवरी वन इज़ डूइंग देयर वर्क नहीं होगा, एवरी वन इज़ डूइंग हिज वर्क होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितने भी इनडेफिनेट वर्ड्स होते हैं उनके साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलैरिटी लगती है। इस तरीके के रूल्स को जानने के लिए मेरे साथ डेली आप लोग जुड़ सकते हो वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल पर, ओनली ऑन शाम को 6 बजे। थैंक यू।